मित्रों आज बहुत पवित्र दिन है, शुभ दिन है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्रामी जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ा और उनको फांसी पे लटकाया गया, ऐसे तीन व्यक्ति जो योगेंद्र सिंह राम इनके हमारे राजेंद्र सिंह बिस्मिल के भाई हैं, थे रामानंद सिंह आपके पिता थे, मालती देवी आपकी माताजी थी, और सबसे बड़ी बात है कि राजेंद्र सिंह बिस्मिल जो आज ज्वाइन करने वाले हैं वह राम प्रसाद बिस्मिल उनके वंशज के हैं। आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी की नीतियों से, नरेंद्र भाई मोदी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, योजनाएं चल रहे हैं गांव गरीब कल्याण के लिए, उससे प्रभावित होकर के और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और हम सब के बीच में माननीय अनंत कुमार जी हैं, आप ज्वाइन कराएंगे। माननीय भूपेंद्र यादव जी राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा हैं, आपको ज्वाइन कराएंगे। और आपके साथ एक पूरी टीम आ रही है, और श्रीकांत जी तो हमारे है ही हैं, राष्ट्रीय मंत्री कार्यों के द्वारा आपका भी अभिनंदन करें। और पूरी की पूरी उनके साथ जो प्रमुख चार पांच लोग हैं वह ज्वाइन कर रहे हैं, और आपके साथ फॉलोअर काफी पूरे देश भर में फैले हुए हैं। आप ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, अभी भी हैं। चाय बगान का जो फेडरेशन है उसके भी आप अध्यक्ष रहे हैं। रेलवे फेडरेशन के भी आप उनके जो जो वेंडर्स हैं, पोर्टल है उनके लिए भी निरंतर कार्य आप कर रहे हैं, उसके अध्यक्ष हैं। इस अवसर पे माननीय अनंत कुमार ज्वाइन कराएंगे और दो शब्द ज्वाइन कराने के बाद जरूर पर्दा बना करके राजेंद्र सिंह बिस्मिल का राजेंद्र सिंह बिस्मिल जी का आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। माननीय भूपेंद्र जी माला पहना करके आप उनका अभिनंदन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल लगा करके आपका भारतीय जनता पार्टी में आपको सदस्यता दे रहे हैं, आपको ग्रहण कर सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। विश्वनाथ सेठी जी को भूपेंद्र यादव जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। कांति सेठी जी, श्रीमती कांति सेठी जी आए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। अरुण सिंह जी कुमार जी आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। इस बड़े परिवार में 11 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, उस पार्टी में आप सबका अभिनंदन। माननीय अनंत कुमार जी से निवेदन करता हूँ इस अवसर राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा जी ये भी मौजूद है। आज बहुत खुशी की बात है, हमारे राजेंद्र सिंह बिस्मिल जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तहे दिल से माननीय नरेंद्र भाई मोदी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी के प्रतिनिधित्व करते हुए हम सब राजेंद्र सिंह बिस्मिल जी को और उनके साथियों को भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं। मित्रों, राजेंद्र सिंह बिस्मिल जी ऐसे एक मशहूर स्वतंत्र सेनानियों के खानदान से हैं,
हम सब जानते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी और उनके तालीम में चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी, उन्होंने क्रांति का और आजादी का जंग का ऐलान किया था और रामप्रसाद बिस्मिल जी के वंशज और उनके माता पिता भाई जैसे अरुण सिंह जी ने वर्णन किया, तीनों ने फांसी के फंदे पर चढ़ गए और पिछले 45 साल से राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल जी कांग्रेस में रहे, 20 साल तक एसीसी का मेंबर रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी और नरसिंह राव जी के जमाने में एसीसी का राष्ट्रीय सचिव रहे और कई मजदूर संघों का, खास करके रेलवे यूनियन जिसमें 7 लाख मेंबर है उसका अभी भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ऐसे एक व्यक्तित्व आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और जब राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की और हम सब से मुलाकात की, उन्होंने कहा जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विकास और सामाजिक समरसता और गरीब कल्याण के सुशासन आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दे रही है, उससे प्रभावित होकर के और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित होकर के राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल जी को लगता है आज के दिन में देशभक्ति का कोई पर्यायवाची है, देश प्रेम का कोई पर्यायवाची है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए जो देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में शहादत दी, ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानी और उनके जो वारिस है, उन सबका आज के दिन में एक ही लक्ष्य है, एक ही गंतव्य है, एक ही मंजिल है भारतीय जनता पार्टी। ये कहते हुए राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल जी आज भारतीय जनता पार्टी में अपने असंख्य अनुयायियों के साथ शामिल हुए हैं, हम सब उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। इस अवसर पे कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन अभी जो किए हैं राजेंद्र सिंह बिस्मिल जी, दो शब्द। भूपेंद्र यादव जी परम आदरणीय और हमारे प्रेरणा स्रोत, श्री अनंत कुमार जी परम स्नेही, अरुण कुमार सिंह जी, अन्य उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और मित्रों, यह अत्यंत पुनीत अवसर है और मुझे ये बताते हुए अत्यंत ही प्रसन्नता हो रही है, जिस कांग्रेस पार्टी को हमने बचपन से, हमारे पूर्वजों ने बचपन से सेवा की, उसने वह अपने रास्ते से भटक गई। श्रीमती सोनिया गांधी के शादी के दिनों से लेकर जब देश में कोई नहीं जानता था, तब भी मैं और आर्थ धवन और उनको लेने के लिए इटली तक में इंदिरा जी ने हमसे कहा था, इतना विश्वास था इंदिरा जी को और राजीव जी को भी ना ही विश्वास उस पर था, उनकी अथक सेवा करी पार्टी की, लेकिन पार्टी अपने रास्ते से भटक गई। ये गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, मध्यम वर्ग के रास्ते को बिल्कुल भूल गई और अति पिछड़े पिछड़ों को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। 25 वर्षों से ज्यादा तक सभी उच्च पदों पर एक्सेप्ट प्रेसिडेंट को छोड़ के कांग्रेस प्रेसिडेंट को राज्य स्तर पर भी सभी पदों पर रहे, प्रदेश के और केंद्र स्तर पर भी हमको इस पार्टी से अपना मोह भंग करना पड़ा और यह पूर्ण विश्वास दिल दिमाग मस्तिष्क में बैठ गया कि अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, जिसके वर्तमान नेतृत्व के नेता हैं और प्रधानमंत्री हैं भारत के आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, इनके ही मार्गदर्शन में राष्ट्र और मजदूरों का, गरीबों का विकास हो सकता है। और
किसानों का विकास हो सकता है। इस प्रतिज्ञा के साथ कांग्रेस हम भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया और इनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए इसमें जो भी संभव हो सकेगा एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं सेवा करता रहूंगा, जो भी पार्टी का आदेश होगा।